हिंदू कॉलेज में 9th यूपी गर्ल्स बटालियन, हिंदू कॉलेज दयानंद डिग्री कॉलेज एवं 24 बटालियन हिंदू कॉलेज के बॉयज़ एवं गर्ल्स कैडेट्स का संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कि एनसीसी डे के उपलक्ष्य में था। आज के कार्यक्रम में भारी संख्या में दोनों बटालियन के कैडेट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एसएस रावत ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका एवं छात्रों के चरित्र निर्माण में उपयोगी बताया। डॉक्टर रावत ने संबोधन में सभी कैडेट्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में 9 यूपी गर्ल्स बटालियन के सूबेदार मेजर विक्रम सिंह ने इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति से सभी अतिथि गणों का मन मोह लिया। प्रतिष्ठा का डांस परमिंदर और इंद्रजीत ने बेटियों पर एक युगल प्रस्तुति देकर सबकी तालियां बटोरी। गर्ल्स कैडेट ने एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें हमारे बॉर्डर पर तैनात फौजियों की जिंदगी और उनके बलिदान का चरित्र था। प्रतिभाग करने वाले तथा विजयी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर प्राचार्य एसएस रावत ने सम्मानित किया। इंटर ग्रुप कंपटीशन से लौटी इशिका शिवानी, पूजा आदि को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सूबेदार मेजर विक्रम सिंह ने क्षमता के विकास में एनसीसी की अहम भूमिका तथा कैडेट्स किस प्रकार एनसीसी को अपने व्यावहारिक जीवन में अनुशासित करते हैं और ऊर्जा प्रवाहित करने वाला उद्बोधन दिया। सूबेदार मुकेश कुमार एवं हवलदार अजय कुमार ने भी कैडेट्स को उत्साहवर्धन किया। सभी कैडेट्स ने कार्यक्रम में बहुत आनंद उठाया। कार्यक्रम में संचालन कैप्टन डॉक्टर मीरू मल्होत्रा ने, स्वागत भाषण लेफ्टिनेंट राजीव चौहान ने तथा आभार व्यक्ति कैप्टन मणि बंसल ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने में कैडेट्स शैली भारद्वाज, जय शर्मा, अमित बाबू शर्मा, मोहित कुमार आदि ने मुख्य भूमिका निभाई। युवा के पास भर्ती हो, क्योंकि एनसीसी का जो ध्येय वाक्य है, जो मोटो है, वो यूनिटी और डिसिप्लिन ही है, एकता और अनुशासन। और एकता और अनुशासन के बगैर अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर हमें प्रगति करनी है, तो जो सबसे मूल मंत्र है वो अनुशासन है, वो एकता है। बहुत साल पहले अमेरिका में एक बार डिस्कशन चला कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, तो रूजवेल्ट साहब राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश के निवासियों को शिक्षित करते हैं, साक्षर करते हैं, लेकिन उनको नैतिकता, एकता और अनुशासन की शिक्षा नहीं देते, तो हम समाज में केवल उपद्रव को बढ़ावा देते। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आज जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, उसमें एक देश में पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और एक संरचनात्मक परिवर्तन शुरू करके बहुत सारी तौर पर, क्योंकि भारत का अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें तो भारत की जो एज है वो एक युवा देश, तो युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी तभी आप सही तरीके से निभा पाएंगे जबकि आप एनसीसी का जो वाक्य है इससे प्रेरित होंगे। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शॉर्ट नोटिस का हुआ है और फिर भी जो बड़बड़ा है वो हमने किया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस एस रावत साहब का मैं 24 की बटालियन एनसीसी और 24 और 9 गर्ल्स की बटालियन एनसीसी के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों बटालियन संयुक्त 15 अगस्त 26 जनवरी एनसीसी डे संयुक्त तत्वधान में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। आज हमारे बीच मंच पर कैप्टन मणि बंसल मैडम भी बैठी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। 9th बटालियन एनसीसी से यहाँ मौजूद हमारे एसएन साहब मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है।